हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की तरफ से यहाँ पर नई वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ पर यदि आप 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, डिग्री, डिप्लोमा या अदर एजुकेशन किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। परमानेंट जॉब आप सभी के लिए यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक से जरूर से देखिएगा। साथ में अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो सभी की लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। सभी लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है, आप एक बार जाकर चेकआउट करें। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। कि दोस्तों, ये रहा इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन लेटेस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन CPCB की तरफ से निकाला गया है। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टूडेंट्स में एलिजिबल रहने वाले हैं। 6 मार्च को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी 31 मार्च रखी गई है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसीज को फाइंड आउट किया गया है। जैसे साइंटिस्ट बी की वैकेंसी 62 निकाली गई है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की 6 वैकेंसीज है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 16 वैकेंसीज है, यहाँ पर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट में 3 वैकेंसीज है, अकाउंट असिस्टेंट में 2 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन के लिए 3, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 15, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 16, डाटा एंट्री के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज है, जूनियर लेबोरेटरी के लिए 5 वैकेंसी है, फील्ड अटेंडेंट के लिए 8 वैकेंसी है और मल्टीटास्किंग में 7 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। अपनी यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं, साथ में यहाँ पर आप अपर एज भी देख सकते हैं कि 18 ईयर से 27 ईयर से एज रखी गई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट बी के लिए जो वैकेंसीज आउट की गई है, उसमें यदि आपने डिग्री की हुई है सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, या आपने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से की है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री वाले भी इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए, यदि आपने बैचलर डिग्री लॉ में की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में यदि आपने कॉमर्स डिग्री की हुई है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री यदि आपने यहाँ पर साइंस में की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। टेक्निकल सुपरवाइजर में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। बैचलर डिग्री के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। साथ में यदि आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, तो आप जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज के लिए फाइंड आउट अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, 12th वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10th वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी के लिए यदि 2 आवर्स एग्जाम है तो 750 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है। 1 आवर एग्जाम के लिए 350 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पर रखा गया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेस्ट सेशन का अलग अलग चार्ज यहाँ पर लिया गया है। तो आई थिंक दोस्तों, मैंने आपको सभी चीज़ें यहाँ पर बता दी है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।